हेलो अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर टू में आज हम नेटवर्क टोपोलॉजी का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही एक अहम किस्म का टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी जो है ये क्या होती है? वे इन विच ए नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। तो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का जो एक तरीकाकार है एक नेटवर्क के अंदर, उसको टोपोलॉजी कहते हैं। यानी वो जो फिज़िकल लेआउट होती है, वो डिज़ाइन होता है, जिस तरीके से हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं एक नेटवर्क के अंदर, तो उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजीज जो हैं ये पांच मुख्तलिफ किस्म की टोपोलॉजीज हैं। बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, फिर ट्री है, उसके बाद मैश टोपोलॉजी। सबसे पहले हम बस टोपोलॉजी को देखते हैं। बस टोपोलॉजी जो है उसमें क्या होता है कि कंप्यूटर्स और नेटवर्क नोड्स आर कनेक्टेड टू ए कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम कॉल्ड बैकबोन। बस टोपोलॉजी में कंप्यूटर्स एक नेटवर्क के अंदर, जिन्हें आप नोड्स भी कहते हैं, तो वो एक कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम के साथ कनेक्टेड होते हैं और उस कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम को, यानी एक कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम या केबल जिसको आप कह सकते हैं, उसके साथ एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं और वो जो सेंट्रल केबल है, मेन केबल, उसको आप बैकबोन कहते हैं। तो उसी को वैसे बस भी कहा जाता है। ये नीचे डिटेल से आपको बताया गया कि स्पेशल टाइप ऑफ सेंट्रल वायर इज़ यूज एज द बैकबोन, इट इज़ कॉल्ड बस। तो ये नीचे डायग्राम में आप देखें तो ये एक सेंट्रल केबल है जिसको आप बस कह रहे हैं। तो आमतौर पे ये कोएक्सियल केबल होती है। केबल्स की टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो फिलहाल कोएक्सियल केबल का आप यही समझ लें कि जो आपके घरों पे इस्तेमाल होने वाली केबल होती है, ये जो केबल टीवी के कनेक्शन के केस में आप यूज़ करते हैं या फिर डिश एंटेना वगैरह के साथ लगाई जाती है, तो ज़्यादातर ये केबल जो है, बल्कि यही केबल बस टोपोलॉजीज के अंदर यूज़ होती थी। अच्छा, कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट कैसे किए जाते हैं? टी कनेक्टर्स के ज़रिए। टी कनेक्टर्स, असल में ये टी कनेक्टर्स, इसी तरह आगे एक पॉइंट के अंदर टर्मिनेटर का भी जिक्र किया गया, तो ये असल में वो कनेक्टर हैं जो कि बस टोपोलॉजी के अंदर यूज़ किए जाते हैं। इधर राइट साइड पे पिक्चर में आपको दिखाया गया, इसमें आप देखें तो ये टी कनेक्टर है, इसी तरह ये टर्मिनेटर है, इसी तरह ये बी एन सी कनेक्टर, सिंपल जो बी एन सी कनेक्टर होता है उस, ये आपको तस्वीर के अंदर दिखाई दे रहा है। तो इन कनेक्टर्स की मदद से ना कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिकली ये दरमियान में कोएक्सियल केबल एज ए बस यूज़ हो रही है और इसके साथ ये जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं टी टाइप कनेक्टर के ज़रिए एक इस तरफ आ रहा है और दूसरा सेगमेंट जो है ऐसा इस तरफ आ रहा है लेफ्ट साइड की तरफ, और फिर टी कनेक्टर खुद जो है वो कंप्यूटर के अंदर लगे हुए नेटवर्क कार्ड के साथ अटैच्ड है। तो ये सारे जो नेटवर्क कार्ड यहाँ पे आपको शो किए जा रहे हैं, असल में ये कंप्यूटर्स के अंदर हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ इन्होंने डायग्राम के अंदर पायर बनाए हैं। तो इसी केबल को आमतौर पर, ये जो केबल है ये बस टोपोलॉजी के अंदर जो कोएक्सियल केबल यूज कर कोएक्सियल केबल कहते हैं। थिन मतलब ये नॉर्मल जो घर में इस्तेमाल होने वाली जो कोएक्सियल केबल है उससे ये थिन होती है, पतली किस्म की केबल है और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 75 ओम होती है, तो इसी वजह से थिन कोएक्सियल केबल इसको कहते हैं। तो इसके टर्मिनेटर का जो काम है वो क्या है कि मतलब ये कि वो सिग्नल जो ट्रैवल कर रहा होता है इस बस या केबल के ऊपर, सेंट्रलाइज केबल के ऊपर, तो वो सिग्नल जो है ना वो हर कंप्यूटर्स के करीब से गुजरता है वो,
और वो एंड तक चला जाता है, और एंड पे जाके ना फिर उसको एब्जॉर्व करना जरूरी हो जाता है, उसको जज़्ब हो जाता है, वरना वो बाउंस बैक होके वापस वो आएगा इस केबल के अंदर, और उसका नतीजा ये होगा कि ये नेटवर्क काम नहीं करेगा। तो इस वजह से दोनों साइडों पे एंड पे टर्मिनेटर्स लगाए जाते हैं। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है, इसके काम करने का तरीका क्या है। तो सेंडिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर विद द डेटा, सेंडिंग कंप्यूटर जो है जिसको कोई डेटा भेजना है वो अटैच करता है डेटा के साथ अपना एड्रेस, और इसके अलावा वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर जो है जिस की तरफ डेटा जाना है डेटा ने, तो इट देन सेंड्स दिस डेटा टू द बस, और फिर इस डेटा को सिग्नल की शक्ल में बस के ऊपर प्लेस की, कनेक्टेड टू द बस रिसीव द डेटा, बट ओनली दैट कंप्यूटर एक्सेप्ट द डेटा हुज एड्रेस मैचेस द एड्रेस अटैच्ड विद द डेटा। रिसीव सारे कंप्यूटर करते हैं, लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं उस डेटा को, क्योंकि जिनका वो एड्रेस उस डेटा पैकेट के अंदर नहीं होता तो वो उसको रिसीव नहीं करते, बल्कि सिर्फ जिस कंप्यूटर की तरफ वो डेटा भेजा गया जस्ट वो ही रिसीव करेगा उसे। इन दिस टोपोलॉजी ओनली वन कंप्यूटर कैन सेंड डेटा एट ए टाइम। इस टोपोलॉजी के केस में आपको ये याद रखना चाहिए भी एक वक्त में एक कंप्यूटर जो है वो डेटा सेंड कर सकता है। Therefore, the speed of the network reduces as the number of computers attached to the bus increases. यही वजह है कि जैसे जैसे फिर आप बढ़ाते जाते हैं तादाद सिस्टम्स की, तो वो ओवरऑल उस बस नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होती चली जाती है। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इट इज सिंपल एंड रिलायबल फॉर वेरी स्मॉल नेटवर्क्स, मतलब एक सिंपल किस्म की टोपोलॉजी है, सिंपल किस्म का एक डिज़ाइन है जो छोटे नेटवर्क्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। फिर ये इजी टू इंस्टॉल है, आसानी से इसको बनाया जा सकता है। इट रिक्वायर्स मिनिमम लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन केबल, आपको केबल बहुत कम इसमें चाहिए, वजह इसकी ये भाई एक ही केबल के साथ बहुत सारे सिस्टम्स कनेक्टेड हैं। इट इज इजी टू एक्सटेंड एज एक्स्ट्रा केबल कैन बी कनेक्टेड टू मेक ए लॉन्गर केबल, तो इसको एक्सटेंड करना या बढ़ाना आसान है। उसके साथ आप मिसाल तौर पर पहले चार कंप्यूटर अगर थे तो फिफ्थ कंप्यूटर को अगर आपने अटैच करना है तो फिर आप क्या करेंगे कि एक्स्ट्रा केबल का एक टुकड़ा या एक पीस एक बनाएंगे आप, जिसके दोनों साइडों पे बीएनसी कनेक्टर्स होंगे, और आप एक साथ और उधर फिर वो सेगमेंट या केबल का जो पीस है वो उधर लगाएंगे और न्यू कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे और टर्मिनेटर एंड पे दोबारा लगा देंगे। तो इसको एक्सटेंड करना बढ़ाना आसान है। फिर ये है कि इसकी एक लिमिटेशन होती है, मतलब ये जो नॉर्मल इसकी जो लेंथ है किसी एक इसके सेगमेंट की, तो वो लेंथ जो है वो 500 मीटर तक आप इसको लेके जा सकते हैं, लेकिन 500 मीटर से आगे अगर ये बस टोपोलॉजी को फॉलो करता हुआ नेटवर्क इससे ज़्यादा एरिया में अगर होगा तो वो फिर उस केस में आपको ये करना पड़ेगी जिसे रिपीटर कहते हैं। रिपीटर के बगैर सिग्नल से वरना 500 मीटर से आगे फिर वो डाउन होना शुरू हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो रिपीटर के साथ आप इसको 2.5 किलोमीटर तक लेके जा सकते हैं। इफ ए नोड इज आउट ऑफ ऑर्डर इट डज नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क, तो अगर कोई एक कंप्यूटर काम करना छोड़ देता है, वो काम नहीं कर रहा, तो बस टोपोलॉजी के अंदर बाकी सिस्टम्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी कंप्यूटर्स जो हैं वो चलते रहते हैं, बाकी नेटवर्क चलता रहता है। लेकिन ये याद रखें, मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ या नोड या कंप्यूटर की, कि अगर वो कंप्यूटर खुद काम करना छोड़ गया तो ये याद रखें कि अगर कहीं से वो केबल ब्रेक हो जाती है या कनेक्टर कहीं से लूज हो जाता है तो फिर तो अल्टीमेटली पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है।
डिसएडवांटेजेस देखें, इट कैन सपोर्ट ओनली स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, उसको ये टोपोलॉजी सपोर्ट करती है. एज द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इंक्रीजेस द नेटवर्क गेट्स स्लोर, जैसे जैसे आप कंप्यूटर्स की तादाद बढ़ाते चले जाते हैं तो नेटवर्क स्लो होता चला जाता है. इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट ए बस, इसमें से कहीं किसी जगह पे एरर अगर आ जाए, नेटवर्क काम नहीं कर रहा, तो उसको चेक करना, डिटेक्ट करना मुश्किल है काफ़ी कि कहाँ पे फॉल्ट आया. ए केबल ब्रेक फॉल्ट और ए लूज कनेक्शन मे कॉज ब्रेक डाउन ऑफ द होल नेटवर्क. तो अगर केबल ब्रेक हो जाती है कहीं से, या किसी कंप्यूटर के पीछे लगे हुए कनेक्टर में कोई मसला आ जाता है, कहीं पे कनेक्शन कहीं से लूज हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा. लेकिन इसमें ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉल्ट इन एनी वन कंप्यूटर, इससे आपको इस बात से कंफ्यूज नहीं होना भाई कंप्यूटर के बंद होने पे या उस में फॉल्ट आने पे पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये ऊपर भी मैं बता चुका हूँ कि अगर कंप्यूटर अगर एक ख़राब हो जाता है ना, एडवांटेजेस का आखिरी पॉइंट भी ये इसी तरह है कि अगर एक कंप्यूटर काम करना छोड़ देता है तो बाकी बस नेटवर्क काम करता रहेगा. आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर टू टोपोलॉजी है, ये स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर्स हैं, ऑल कंप्यूटर्स आर नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ए सेंट्रल डिवाइस. एक सेंट्रल डिवाइस होती है जिसके साथ ये सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं. सेंट्रल डिवाइस दैट कनेक्ट्स द नोड्स इज कॉल्ड हब और स्विच. तो जो सेंट्रल डिवाइस होती है उसको आप हब या स्विच कहते हैं. तो वैसे ये है कि ये क्योंकि हब एक है, वो आजकल मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है. स्विचेस भी बहुत कम अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर. तो इस वजह से सम टाइम जो है ना, जो राउटर को भी एज ए हब या स्विच यूज़ किया जा सकता है, एज ए सेंट्रल डिवाइस यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर एक ही डिवाइस मार्केट के अंदर आ रही है और वो राउटर है. तो राउटर को जो है आप चाहे तो एक स्विच के तौर पे यूज़ करना चाहें या हब के तौर पे तो आप यूज़ कर सकते हैं. तो असल में हब जो है वो तो जस्ट लाइक आप यूँ समझें कि हब कोई इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है. हब जो है वो इस तरह की डिवाइस है भाई, जैसे आपके पास ना ये नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट होती है एक्सटेंशन केबल के, जिसके साथ मतलब एक साइड से आप उसको इलेक्ट्रिक सॉकेट के अंदर लगाते हैं, दूसरी तरफ से आगे से कई इलेक्ट्रिक डिवाइसेस उसके साथ लगा सकते हैं. तो हब की मिसाल उसी तरह है कि हब जो है वो एक साइड से जो सिग्नल उसे बिल्कुल एज इट इज़ वो आगे ट्रांसफ़र कर देता है, उसको कोई एफिशिएंटली वो उसको चेक नहीं कर किस कंप्यूटर की तरफ जाना चाहिए. तो बस वो ये भी वो जो भी सिग्नल उसको मिलेगा वो आगे पूरे नेटवर्क के अंदर स्प्रेड कर देता है, फिर जिस कंप्यूटर का वो डेटा होता है वो उसको रिसीव कर लेता है और बाकी नहीं करते. लेकिन स्विच जो है वो इस चीज़ को चेक करता है बाकायदा, और स्विच को इसी वजह से इंटेलिजेंट हब कहते हैं कि ये जो डेटा मेरी तरफ आ रहा है वो आगे असल में किस कंप्यूटर की तरफ जाना चाहिए. तो इस वजह से स्विच अगर आप लगाते हैं तो उससे ओवरऑल नेटवर्क की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, और क्योंकि ट्रैफिक नेटवर्क ट्रैफिक ने उसी तरफ जाना है जहां उसे जाना चाहिए. स्विच और रोटर की परफॉर्मेंस इस केस में बेहतर होगी. लेकिन आपने ये बात भी याद रखनी है कि रोटर असल में जो है वो दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए है, यानी एक इस तरह का लोकल एरिया नेटवर्क जो आप बना रहे हैं और स्टार टोपोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें असल में तो रोटर की ज़रूरत नहीं होती, उसमें हब या स्विच से काम चल जाता है. लेकिन क्योंकि हब या स्विच मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है तो इस वजह से आप राउटर को भी एज ए सेंट्रल डिवाइस यूज़ कर सकते हैं. तो इस साइड पे राइट साइड पे ये कनेक्टर दिखाए गए हैं जो कि स्टार टोपोलॉजी के अंदर यूज़ होते हैं. इसमें स्टार टोपोलॉजी के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर
ये जो ऊपर वाला थोड़ा बड़े साइज का कनेक्टर है ये यूज होता है, जिसको हम कहते हैं RJ45। इसी तरह का ये जो छोटा कनेक्टर है ये RJ11 होता है, और ये टेलीफोन सेट के साथ या फैक्स मशीन वगैरह के साथ यूज़ किया जाता है। तो ये इसके साथ वाइट कलर की जो केबल है इसको हम ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर के अंदर। तो ट्विस्टेड पेयर को यूज़ करते हुए और RJ45 कनेक्टर को यूज़ करते हुए सेंट्रल डिवाइस से किसी एक कंप्यूटर का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर 100 मीटर से ज़्यादा आप उसको लेके जाएंगे तो वो फिर उसके सिग्नल्स डाउन होना शुरू हो जाएंगे, तो आगे फिर आपको कोई स्पेशल डिवाइस लगानी पड़ेगी, जस्ट लाइक रिपीटर, उन सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसकी वर्किंग के स्टार्ट टोपोलॉजी की, हर कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है विद अ सेंट्रल हब। द हब देन सेंड्स डेटा टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर और कंप्यूटर्स। तो हब फिर उसके बाद जो डेटा है वो आगे कंप्यूटर्स की तरफ सेंड करता है, तो जिस कंप्यूटर का वो डेटा होता है वो उसको रिसीव कर लेता है। एडवांटेजेस क्या है, इट इज़ ईजी टू मॉडिफाई ए स्टार नेटवर्क, न्यू कंप्यूटर्स कैन बी एडेड टू द सेंट्रल हब और एनी अदर कंप्यूटर और एनी कंप्यूटर कैन बी रिमूव्ड विदाउट इफेक्टिंग द नेटवर्क। तो इसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि स्टार टोपोलॉजी को यूज़ करते हुए नेटवर्क को अगर आप एक्सटेंड करना चाहें, बढ़ाना चाहें, तो वो बाकी नेटवर्क काम करता रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप क्या करेंगे कि एक नया एक ट्विस्टेड पेयर केबल का एक सेगमेंट बनाएंगे, उसके साथ कनेक्टर आप लगाएंगे, और एक साइड से आप सेंट्रल डिवाइस के साथ अटैच करेंगे और दूसरी साइड से आप उस नए कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे, तो वो आपका नेटवर्क जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो याद रखें, बस टोपोलॉजी में जब भी आप नया एक कंप्यूटर ऐड करना चाहते थे तो वो पूरे नेटवर्क को आपको बंद करना पड़ता था। उसके बाद क्या एडवांटेज है कि इट इज़ यूजली ईजी टू ट्रबल शूट ए स्टार नेटवर्क। आमतौर पर ये आसान होता है इसमें से फॉल्ट निकालना, क्योंकि वो जाहिर है कि आपको फौरन ही अंदाज़ा हो जाता है भाई स्टार नेटवर्क के अंदर कौन सा सिस्टम काम नहीं कर रहा, बाकी नेटवर्क चल रहा होता है। इफ एनी कंप्यूटर इन द स्टार टोपोलॉजी ब्रेक्स डाउन द नेटवर्क इज नॉट अफेक्टेड। तो कोई अगर कंप्यूटर ख़राब हो जाए या काम करना छोड़ दे तो बाकी नेटवर्क पे कोई असर नहीं पड़ता, वो उसी तरह काम करता रहता है। सिंस द डेटा रेट बिटवीन द सेंट्रल हब एंड ए नोड इज रिलेटिवली लो, लो स्पेसिफिकेशन ट्विस्टेड पेयर कैन बी यूज टू कनेक्ट द नोड्स टू द सेंट्रल हब। तो क्योंकि डेटा रेट जो है वो सेंट्रल हब से आगे कंप्यूटर की तरफ कोई इतना बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई रेट नहीं होता, तो आप जो है एक सस्ती किस्म की, चीप किस्म की ट्विस्टेड केबल आप लगा सकते हैं, उससे ओवरऑल आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो कट डाउन हो जाते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके, इफ द सेंट्रल हब फेल्स द होल नेटवर्क ब्रेक्स डाउन। अगर वो सेंट्रल हब या सेंट्रल डिवाइस ही फेल हो जाती है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर ओवरऑल सारा नेटवर्क ही बंद हो जाएगा, लेकिन ये बहुत रेयर होता है, बहुत ही कम ऐसा होता है। उसके बाद स्टार टोपोलॉजी रिक्वायर्स मोर कम्युनिकेशन केबल देन एनी अदर टोपोलॉजी। ये इसका बड़ा डिसएडवांटेज है कि इस होती है एज कम्पेयर टू बस टोपोलॉजी, क्योंकि आपको सेंट्रल डिवाइस से हर हालत में केबल का एक पूरा सेगमेंट लेके जाना है नोड या कंप्यूटर की तरफ। फिर स्टार टोपोलॉजी जो है वो कॉस्टली है, कॉस्टली इसी वजह से है भाई इसमें केबलिंग एक तो बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये कि जो आप सेंट्रल डिवाइस यूज़ करते हैं वो भी कॉस्टली होती है अच्छी खासी। तो इसके अलावा अगर आप केबल बेस स्टार नेटवर्क ना भी बनाएं, आप वायरलेस टाइप नेटवर्क बनाएं, तो उस केस में भी फिर आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है काफ़ी, क्योंकि उस केस में भी आपको जो है वायरलेस राउटर या जो भी सेंट्रल डिवाइस है वो आपको लगानी पड़ेगी, और इसी तरह आपको फिर मे बी नेटवर्क कार्ड्स जो हैं वो भी वायरलेस टाइप आपको परचेज करने पड़े अगर पहले से उन सिस्टम के अंदर वो नहीं है। तो जो वायरलेस इस तरह की डिवाइसेस हैं वो कॉस्टली होती हैं, तो इस वजह से ओवरऑल आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं।
तो इसी के साथ मैं अपने इस लेक्चर को यहाँ वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।